संपूर्ण उत्तर प्रदेश इस समय पर जैसे कि धर्मांतरण की चपेट में है, शाहजहांपुर से अछूता नहीं है। शाहजहांपुर के चारों कोने से आवाज आती है कि आज वहाँ धर्मांतरण हुआ, कल वहाँ धर्मांतरण हुआ। इस तरीके से पूरे देश में, पूरे जिले में धर्मांतरण की महामारी सी फैली हुई है। मिशन फील्ड में काफ़ी गंदगी रहती है, 10 कदम दूरी पर मंदिर है एक, जहाँ लोगों को पूजा करने में काफ़ी समस्या होती है, जो वहाँ लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी समस्या होती है, तो इसका जल्द से जल्द जो है समस्या का समाधान किया जाए। विस्तार से हम आपको दिखाएंगे धर्मांतरण को लेकर जबरदस्त रोष, धरना प्रदर्शन, आए दिन हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर बजाया गया बिगुल। और आपको बता दें, राजेश अवस्थी ने बड़ी संख्या में लोग ले जाकर कलेक्टेड में गर्जे, और उनका यह कहना था कि बीमारी की तरह धर्मांतरण फैल रहा है। शाहजहांपुर में भी इस तरीके की घटनाएं हुई, और यूपी में भी कोने में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां से कोने से आवाज ना आती हो धर्मांतरण को लेकर। लंबे चौड़े आरोप लगाए राजेश अवस्थी का, कहना था कि इस तरीके की कार्रवाई रोकना चाहिए। हालांकि ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मिशन फील्ड में कितनी गंदगी को लेकर ज्ञापन दिया गया वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं धर्मांतरण को लेकर जबरदस्त रोष, और किस तरह का जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ धर्मांतरण जैसी बीमारी फैल रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सके, इसकी हमारी ये 3 मांगे हैं। तत्काल इनको माननीय राष्ट्रपति के पास हमारा ज्ञापन पहुंचा दिया जाए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश इस समय पर जैसे कि धर्मांतरण की चपेट में है, शाहजहांपुर से अछूता नहीं है। शाहजहांपुर के चारों कोने से आवाज आती है कि आज वहाँ धर्मांतरण हुआ, कल वहाँ धर्मांतरण हुआ। इस तरीके से पूरे देश में, पूरे जिले में धर्मांतरण की महामारी सी फैली हुई है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की है कि धर्मांतरण के विरोध में जो हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, तो धर्मांतरण के लिए कानून बनाया जाए जो संपूर्ण देश में लागू किया जा सकती है, और जो लोग धर्मांतरित करें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जो धर्मांतरित लोग हुए हैं उनको वापस फिर हिंदू बनाने के लिए हम लोगों को निवेदन हम कर रहे हैं कि हम लोगों को निवेदन उनको हिंदू बनाने के लिए अनुमति दी जाए। और जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में जनसंख्या की महामारी से फैली हुई है, कुकुर मुक्ते की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, कुकुर मुक्ते की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और पूरे देश में लागू किया जाए, ये हमारी आज की मांग है। और जो नोएडा गाजियाबाद में धर्मांतरण के लिए अभी घटना हुई है, उसमें हम लोग मांग करते हैं कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं उनके द्वारा जांच कराई जाए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगर मांगे नहीं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, गंदगी को लेकर मिशन फील्ड में जिस तरीके की गंदगी फैल रही थी उसको लेकर भी एतराज किया गया और मांग पत्र दिया गया, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं उसका फायदा जन जन तक नहीं पहुंच रहा है, और मिशन फील्ड की गंदगी का जो हाल है उसके बारे में भी एतराज जताया क्षेत्र के लोगों ने, और ज्ञापन दिया। क्या कुछ कहा उसमें, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कर रहा है यार, मंदिर है एक, जहाँ लोगों को पूजा करने में काफ़ी समस्या होती है, जो वहाँ लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी समस्या होती है,
तो इसका जल्द से जल्द जो है समस्या का समाधान किया जाए। और तीसरी जो है शहर की मुख्य बाजार है केरूगंज, वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय और ना ही कोई लाइट लगी हुई है, जिससे जो है बाहर से जो व्यापारी आते हैं उन्हें समस्या होती है, जो सिटी के हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और चौथा ये सड़कों पर जो हमारा गौबंद घूम रहे हैं उनको गौशाला पहुँचाया जाए, इससे जो है आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बंद होंगे और गौबंद भी सुरक्षित रहेगा और किसान भी खुश होगा। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.